नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके एग्जाम में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पुस्तकालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो लाइब्रेरी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा आप RSMSSB KV नेट या अदर लाइब्रेरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो एग्जाम से संबंधित कि कौन सी पाठ्य सामग्री कौन सी बुक बेटर है तो आप मुझे बता दीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में आपको पूरी कोशिश करूँगा कि विस्तृत जानकारी दूँ कोई भी क्वेश्चन है। और अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी अभी राजस्थान में तो ये है कि जो EWS से रिलेटेड जो जिन बच्चों के नहीं बन रहे थे EWS का, तो अभी उनके लिए कुछ रूल चेंज हो रहे हैं। अब सिर्फ ये आय प्रमाण पत्र वाला रूल चालू रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, 8 लाख से जिसकी कम आय रहेगी उनका EWS बन जाएगा। अचल संपत्ति का जो प्रावधान है उसको हटा दिया जाएगा, तो अचल संपत्ति वाला हट जाएगा तो उसके बाद आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी बनवाने में। सिर्फ आय प्रमाण पत्र बनवाना है और उसके बाद आपका लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, और भी आपकी कोई कमेंट्स हो, कुछ आपकी डाउट्स हो तो आप मुझे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी और पूरी विस्तृत जानकारी आपको मैं दे दूँ। और मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी दे दूँगा ताकि आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाके वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पेन का पूरा नाम होता है, पेन का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ACE की फुल फॉर्म है, ACE की फुल फॉर्म क्या है? एक्सेस कंट्रोल एंट्री। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही, तो आप लोग ध्यान से इनको देखिए, याद करिए। अगर वीडियो को एक बार दो बार आप देखिए, रिविजन करोगे, तब आपके अच्छी तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AI का पूरा नाम क्या है? तो AI का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASF का पूरा नाम क्या है? ASF की फुल फॉर्म क्या होगी? एडवांस्ड स्ट्रीमिंग फॉर्मेट। दोस्तों, आपको स्पेलिंग अगर अच्छी तरह से ध्यान होनी चाहिए, कई बार मिलते जुलते शब्द आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना उस चीज़ में, जो आपका सही रहेगा वही ध्यान रखना। तो ASF का पूरा नाम होगा एडवांस्ड स्ट्रीमिंग फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट शब्दावली में IP का मतलब क्या है? इंटरनेट शब्दावली में IP का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, IP की फुल फॉर्म होती है इसमें इंटरनेट प्रोवाइडर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, VLSI का पूरा रूप क्या है? VLSI का फुल फॉर्म क्या होगी? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा VLSI का फुल फॉर्म। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके किसी एक ग्रुप में आप शेयर जरूर करना। EFS की फुल फॉर्म क्या है? EFS की फुल फॉर्म होगी इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। दोस्तों, अभी बोल रहा हूँ स्पेलिंग थोड़ा सा अच्छी से ध्यान रखना, मिलती जुलती स्पेलिंग्स मिल जाती है, वर्ड्स मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, 3 में से 2 वर्ड आपको सेम मिल जाएंगे, कंफ्यूजिंग हो जाओगे। इससे बेटर है थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक बार नहीं 2 बार देखना वीडियो, 2 नहीं तो 3 बार देखना, आपकी एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी तैयारी होती जाएगी आपको ये चीज़ जल्दी जल्दी पकड़ में आएगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप उसको 1 या 2 बार कम से कम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP का पूरा नाम क्या है? तो FTP का पूरा नाम होगा दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म HDMI में HD का क्या है? HDMI में HD का क्या मतलब है? हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन HDMI। VGA केबल में पिनों की संख्या कितनी होती है? VGA केबल में पिनों की संख्या कितनी होती है? 15 पिन होती है। या दोस्तों, जो VGA डाटा केबल होती है उसके अंदर 15 पिन होती है उसके अंदर। POP का पूरा नाम क्या है? POP का पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है कौन सा चल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानदंड ISO 27001 27001 ISO 27001, ध्यान रखना 2701 नहीं 27001 है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTPS स्लैश में S का अर्थ है,
HTTPS में जो लास्ट में S होता है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका S का अर्थ होता है सिक्योर। कुछ वेबसाइट्स होती है दोस्तों जिसमें HTTP लिखा हुआ होता है, S लिखा हुआ नहीं होता। आगे जो वेबसाइट होती है, तो मान लीजिए दोस्तों ये आपका डेटा चोरी करती है वो वेबसाइट, यानी जो हैकिंग वाली वेबसाइट होती है उसके अंदर HTTP के बाद S लिखा हुआ नहीं होता, तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती। तो उन वेबसाइट पर विजिट करना आपके डेटा के लिए नुकसानदायक है, इसमें आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम हैक हो सकता है। तो वही वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए जिसपे HTTP के बाद S लिखा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO का पूरा नाम क्या है? ISO का पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ध्यान रखना दोस्तों ISO का फुल फॉर्म, कंफ्यूज नहीं होना, इंटरनेट भी लिखा हुआ हो सकता है इंटरनेशनल की जगह, तो वो ध्यान रहे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई मित्र की स्थापना कब की हुई थी? ई मित्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका आंसर रहेगा 2004 में, 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, VLAN का पूरा नाम क्या है? VLAN का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क VLAN की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GIF की फुल फॉर्म क्या है? GIF फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट GIF की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZIF का पूरा नाम क्या है? ZIF का पूरा नाम है जीरो इनसर्टन फोर्स। दोस्तों कंफ्यूज किसी भी हालत में नहीं होना, आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए छाट छाट के। मुझे पूरा विश्वास है इस क्वेश्चन में से, मतलब जो इस वीडियो में करीब 45 से 50 क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन शायद पक्का आ जाएंगे, 100% चांस है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो एक दो बार रिपीट हुए कुछ, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। WML का पूरा नाम क्या है? WML का पूरा नाम क्या है? वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज WML की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UDP का पूरा नाम क्या है? UDP का पूरा नाम है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP का पूरा अर्थ है? HTTP का पूरा अर्थ क्या है? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साटा की फुल फॉर्म क्या है? साटा की फुल फॉर्म क्या हुई? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट साटा की फुल फॉर्म, साटा जो हार्ड डिस्क होती है। VPN का पूरा अर्थ है? VPN का पूरा अर्थ क्या होगा दोस्तों? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN। नेक्स्ट क्वेश्चन, LSI का पूरा नाम क्या है? LSI का पूरा नाम क्या है? लार्ज स्केल स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI की फुल फॉर्म। फ्लॉप्स का पूरा अर्थ है? फ्लॉप्स का पूरा अर्थ क्या हुआ? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड फ्लॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPTEL का पूरा नाम क्या है? NPTEL का पूरा नाम क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग NPTEL। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCD क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, ध्यान रहे दोस्तों BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIU का पूरा नाम है? बस इंटरफेस यूनिट, बस इंटरफेस यूनिट BIU। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAI की फुल फॉर्म, CAI की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार का पूर्ण रूप है? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD-ROM का पूर्ण रूप है? CD-ROM का पूर्ण रूप है, हालांकि आजकल
ये लुप्त तो होता जा रहा है। इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का अगर पूछ ले सीडी हटा के तो रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी, अगर सीडी रोम हो गया तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी का होगा सिर्फ कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएलआर का पूरा नाम है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम सीएलआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूरा नाम है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएसी का पूर्ण रूप है, डीएसी का पूर्ण रूप क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजेबी की फुल फॉर्म है, ईजेबी की फुल फॉर्म क्या है, एंटरप्राइजेस जावा बिल्स, एंटरप्राइज जावा बिल्स, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफओ का पूरा नाम है फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स एफओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी का पूर्ण रूप है, आईसीटी का पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईएस का पूरा नाम है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस आईआईएस का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेएसपी की फुल फॉर्म है, जेएसपी की फुल फॉर्म क्या हुई, जावा सर्वर पेजेस, जावा सर्वर पेजेस जेएसपी, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ध्यान रखना थोड़ा सा। MP3 की फुल फॉर्म है दोस्तों, शायद मेरे हिसाब से हर कोई MP3 नाम जानता है, MP3 MP4, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि 90% 100 में से 90 लोगों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी, तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। MP3 मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप लेयर 3, देखो दोस्तों शायद आपने नहीं सुनी होगी, मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप लेयर 3 MP3। ये क्या दोस्तों MPEG फुल फॉर्म क्या हुई दोस्तों, मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDF का पूरा नाम, PDF फाइल तो आप जानते ही हो, लेकिन इसकी फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ध्यान रहे दोस्तों कंफ्यूज वाले जो ऑप्शन मिलेंगे आपको कंफ्यूजिंग करेंगे, अगर आपको सही ध्यान नहीं रहेगा तो आप किसी में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, मिलते जुलते नाम रहेंगे सारे सारे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNP का पूर्ण रूप है, PNP का पूर्ण रूप क्या हुआ, प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी कर देना वीडियो को, हो सके तो आप किसी एक ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप फेसबुक कहीं पे ट्विटर वगैरह आप हो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और दोस्तों आपके रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जल्दी दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।